जिस दिन मेयर पद पे कोई ऐसा व्यक्ति बैठ गया जिसे समझ हुई मेयर की, तो उस दिन IIT को और CBRI को ये समझ में आ जाएगा कि नाले कैसे बंद होते हैं और उन्हें कैसे बंद किया जाता है। नाले की समस्या वो बहुत दिनों से, कई सालों से चली आ रही है और उसके कारण से ये सारा पानी का जल भराव यहाँ पर इस क्षेत्र में होता है। समस्या जो है इस बार की नहीं है, पिछले साल भी थी, हमने GCP बुलवाई थी और MNA और जॉइंट मजिस्ट्रेट के द्वारा इस समस्या का हल निकालने की कोशिश की थी। सचिन गुप्ता जी के इस माध्यम से रख रहे हैं कि जल्दी से इसका निस्तारण हो। IIT के डायरेक्टर साहब से मैं आप लोगों के माध्यम से गुजारिश करूँगा कि इस समस्या का निदान वो लोग कर सकते हैं, वो कर दें बहुत अच्छा है, नहीं तो आने वाले वक्त में अगर मैं रुड़की सोलानीपुरम स्थित गोकुलधाम कॉलोनी के लोगों ने द्वारा स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में देश पर मर मिटने वाले वीर शहीदों व देश की आज़ादी में अपना अहम योगदान देने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। साथ ही देश में भाईचारा व एकता का संदेश देते हुए एक सामूहिक चर्चा भी की गई। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव सचिन गुप्ता रहे। कार्यक्रम में पहुंचे सचिन गुप्ता ने सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी। इस मौके पर क्षेत्र लोगों द्वारा क्षेत्र में उत्पन्न हो रही जनसमस्याओं को उठाया। बैठक में उपस्थित IIT व CBRI एवं सेना से सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों व कॉलोनी के अन्य वरिष्ठ लोगों ने क्षेत्र में सड़कों पर बरसात में जलभराव सहित नाले व टूटी सड़कों जैसी विभिन्न जनसमस्याओं के बारे में दी। क्षेत्र के लोगों को कहना था कि क्षेत्र में काफी समस्या रहती है और इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, जिसको लेकर आज एक सामूहिक बैठक की गई और अपनी समस्याओं के निवारण के समाज सेवी कांग्रेस के नेता सचिन गुप्ता को अवगत कराया है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। आप देखते हैं रुड़की के सोलानीपुरम में इस समय कांग्रेस नेता सचिन गुप्ता जी पहुंचे और यहां के जो लोग ये कार्यक्रम बहुत अच्छा, क्योंकि सचिन गुप्ता जी हमारे बीच में पधारे गोकुलधाम कॉलोनी में, बच्चन सिंह रोथान जी के निवास पर पधारे हैं ये, और इन्होंने एक कार्यक्रम रखा कि सभी जनताओं के विचार सुनने के लिए कि यहाँ पर क्या समस्याएं हैं। आज का दिन स्वतंत्रता दिवस है और इस मौके पे वो यहाँ पर उपस्थित हुए सभी से मिलने के लिए, सभी की विचार धारा सुनने के लिए कि जो भी यहाँ कॉलोनी की जो समस्याएं हैं उससे पीड़ित हैं उनकी समस्याएं वो सुनने के लिए यहाँ पर आज इस कांग्रेस के जो लीडर हैं सचिन गुप्ता, क्षेत्र के विधायक जी, वो ये नहीं, वो भी ऐसा नहीं है कि वो भी नहीं सुनते, लेकिन सचिन गुप्ता जी भी हमारे बहुत अच्छे मित्रों में से हैं और वो ये जन सेवक हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। जैसे उन्होंने अभी आपने पूरा व्याख्यान बताया कि वो हर जन की समस्याएं को सुनते हैं, तो इसीलिए उनका भी एक दायित्व है क्योंकि समाज के प्रति भी उनका एक लगाव है। तो अच्छा करवा देंगे, नहीं, सभी कार्यकर्ता तो सभी हैं और सभी को काम करना चाहिए, मिलजुल के काम करना चाहिए, और वो भी एक बढ़िया कार्यकर्ता है, इसलिए वो हम अपनी समस्याओं को उनके सामने, जैसे ये पीछे कई सालों से ये इसका एक समस्या है, नाले की समस्या वो बहुत दिनों से, कई सालों से चली आ रही है और उसके कारण से ये सारा पानी का जल भराव यहाँ पर इस क्षेत्र में होता है, और हम उसे भी लेकर के इनके समक्ष आए क्योंकि हम हर दरवाजे पे इस चीज़ की समस्याएं को रखते हैं, और आज ये इसके माध्यम से भी हम सचिन गुप्ता जी के इस माध्यम से रख रहे हैं कि जल्दी से इसका निस्तारण हो ताकि जन समस्याओं का निवारण हो सके। सबसे पहले स्वतंत्रता दिवस की, 78वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई सभी देशवासियों को, और ख़ासतौर से जहाँ मैं अभी उपस्थित हूँ गोकुलधाम में, अपने सोलानीपुरम में, उनके सभी समस्त मेरे बुजुर्ग वर्ग यहाँ पे हैं, कुछ मेरे दोस्त हैं, तो उनको सबको बहुत बहुत बधाई स्वतंत्रता दिवस की। और आज जो है स्वतंत्रता दिवस को हम यहाँ पे 15 अगस्त को बनाने के लिए आए हैं। यहाँ पे जो है चौहान साहब के घर पे एक छोटा सा गेट टुगेदर रखा गया जिसमें मैं भी आमंत्रित हुआ, तो मैं इनका शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने अपना आशीर्वाद जो है मुझे दिया है हमेशा, और हमेशा ये मुझे अपना आशीर्वाद देते रहेंगे। सर, समस्या जो है इस बार की नहीं है, पिछले साल भी थी, हमने GCP बुलवाई थी और MNA और जॉइंट मजिस्ट्रेट के द्वारा इस समस्या का हल निकालने की कोशिश की थी। क्या है कि कुछ जनप्रतिनिधि ऐसे हैं जो IIT और CBRI को ये मान के चलते हैं कि वो शायद कोई बहुत बड़े इंस्टीट्यूट्स होने के नाते जो है ना, उनकी समृद्धता जो है, वो भागीदारी जो है जन समस्याओं को निपटाने की, वो नहीं है, जो गलत है। IIT के डायरेक्टर साहब से मैं आप लोगों के माध्यम से गुजारिश करूँगा कि इस समस्या का निदान वो लोग कर सकते हैं, वो कर दें बहुत अच्छा है, नहीं तो आने वाले वक्त में, अगर मैं आपसे कहना चाहूँगा, खुल के कहना चाहूँगा, जिस दिन मेयर पद पे कोई ऐसा व्यक्ति बैठ गया जिसे समझ हुई मेयर की, तो उस दिन IIT को और CBRI को ये समझ में आ जाएगा कि नाले कैसे बंद होते हैं और उन्हें कैसे बंद किया जाता है।
पूछना है थोड़ा सा, बताइए कहाँ कहाँ आज गए सबसे पहले तो आप? देखिए आज सुबह 8 बजे सबसे पहले तो ध्वजा रोहण जो है हमारे ही ऑफिस कांग्रेस कार्यालय पर था, फिर महानगर कांग्रेस अध्यक्ष श्री राजेंद्र चौधरी के द्वारा चंद्रशेखर आज़ाद पे चौक पे जो है वहाँ पर ध्वजा रोहण था। उसके बाद जो है वहाँ मोहन नगर और कर्णस एनक्लेव में आज ध्वजा रोहण था जो वहाँ पर हमने किया। इसके अलावा मुझे जो सबसे बढ़िया प्रोग्राम लगे उसमें कोटनाला जी के द्वारा सैनिक कॉलोनी में छोटे बच्चों का बहुत सुंदर कार्य था जो मेरी फेसबुक पे भी चल रहा है और मैं बहुत मतलब आप कह सकते हैं अभिभूत हुआ उन बच्चों को देखकर। सिर्फ 3 साल 4 साल के बच्चे और उन्हें मतलब जो शिक्षा वहाँ कोटनाला जी के द्वारा दी गई उसमें उनका अनुशासन देखने ही बनता था और उससे मैं बहुत अभिभूत हूँ। और अभी क्योंकि मैं यहाँ गोकुलधाम में आया हूँ तो यहाँ पर अभी अकेडमी जिसमें मैं अभी फंक्शन में था उसमें कनिका गुप्ता जी के द्वारा बालाजी एकेडमी एक चलाई जा रही है, उसमें 60 से 70 बच्चे हैं, उनका भी परफॉर्मेंस बहुत प्यारा था। तो ऐसे परफॉर्मेंस देखकर हमें उम्मीद है कि आने वाला समय जो है भारत का वो बहुत अच्छा रहेगा और भी अच्छा रहेगा। कार्यक्रम में भी देखे गए हैं वहाँ पर भी आप? देखिए दंगल का कार्यक्रम मैं हमेशा जाता हूँ और हमेशा उसमें जो है देख कर मैं अभिभूत होता हूँ क्योंकि मुझे दंगल बहुत पसंद है और हमेशा जब भी मुझे राजेंद्र बाड़ी पूर्व सांसद जो हैं और गर्ग साहब बुलाते हैं तो मैं हमेशा उस दंगल के प्रोग्राम में रहता हूँ। Bandai! Bandai! Bandai!